आजकल आपने देखा होगा रिचार्ज प्लान्स पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। जैसे आज आप कोई रिचार्ज प्लान कराने जाते हैं तो आपको महीने में कम से कम 100 से लेकर 200, 300, 400 रुपए तक खर्च करने होते हैं। हालांकि इन प्लान्स में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलती है, लेकिन कॉलिंग भी उन्हीं के साथ मिलती है जिन प्लान्स के प्राइस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 1 रुपये में अनलिमिटेड कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि इसमें थोड़ा कैच है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया की एक पॉपुलर टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जिसका प्राइस है 1 रुपीज़, और ये माना जाता है कि अभी तक का सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान है। हालांकि ये जो प्लान है इसमें सिर्फ टॉक टाइम ऑफर किया गया है, इसमें कोई डेटा नहीं है या फिर फ्री SMS नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्लान में आपको 75 पैसे तक का टॉक टाइम मिलता है। सो इसको यूज़ कैसे करना है, इसको सुनकर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप एक वोडाफोन आइडिया यूज़र है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि इसको बेसिक रिचार्ज प्लान्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। सो वोडाफोन आइडिया के 3 बेसिक रिचार्ज प्लान्स हैं जिसका प्राइस है 99 रुपीज़, 198 रुपीज़ और 204 रुपीज़। सो ये 3 ऐसे बेसिक प्लान्स हैं जो लिमिटेड टॉक टाइम के साथ आते हैं। सो अगर आपके इन तीनों प्लान्स का जो टॉक टाइम है वो ओवर हो जाता है तो आप ये 1 रुपये वाला प्लान जो है उसको एडिशनल तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और ये आपको 75 पैसे पर कॉलिंग के हिसाब से पड़ता है। हालांकि इसमें यूज़र सिर्फ मिस्ड कॉल कर सकते हैं इस प्लान के ज़रिए, लेकिन ये तब आपके बहुत काम आएगा जब आप इमरजेंसी में कहीं फंस गए हैं, आपका टॉक टाइम ख़त्म हो चुका है और आपको इमरजेंसी कॉल कहीं करना है, तो उस लिहाज से ये जो 1 रुपये वाला प्लान है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसकी वैलिडिटी 1 ही दिन की है। सो इसके अलावा जैसे वोडाफोन के और प्लान्स हैं जो बेसिक प्लान्स मैंने आपको बताया, जिसमें 99 रुपीज़ का प्लान है, इसमें आपको 200 MB तक का डेटा मिल जाता है और 99 रुपीज़ का ही आपको टॉक टाइम मिलता है इसमें, और इसकी वैलिडिटी है 15 डेज़ की। इसके अलावा जो दूसरे और प्लान्स हैं जिसमें 198 रुपीज़ देकर आप 30 डेज़ की वैलिडिटी वाला प्लान खरीद सकते हैं, या फिर जो 204 रुपये वाला प्लान है उसकी वैलिडिटी है 1 मंथ की। सो ऑलमोस्ट दोनों ही प्लान्स की वैलिडिटी का टाइम जो है वो सिमिलर है, और इसमें आपको मिलता है 500 MB तक का डेटा। सो अलग ही आप देखेंगे सिमिलरली दोनों प्लान्स की जो वैलिडिटी है वो काफ़ी हद तक सेम है, और इनमें आपको 500 MB तक का डेटा मिल जाता है। सो अगर आप इन तीनों बेसिक प्लान्स का यूज़ करते हैं तो आपके हिसाब से ये जो 1 रुपये वाला प्लान है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें आपको डेटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इमरजेंसी के हिसाब से टॉक टाइम मिल जाएगा। सो ऐसे में अगर आपका टॉक टाइम ख़त्म हो जाता है और आप इमरजेंसी में कहीं फंस जाते हैं, तो उस टाइम पर आपका जो ये प्रीपेड प्लान है जिसकी कीमत 1 रुपये है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एक जियो यूज़र है तो जियो भी एक सबसे सस्ता टॉक टाइम प्लान ऑफर करता है जिसका प्राइस है 10 रुपये। तो 10 रुपये का आप ये टॉक टाइम प्लान ले सकते हैं। हालांकि जैसे कि वोडाफोन इंडिया का ये जो प्लान है ये सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान है, और इसे कंपैरेटिवली जियो भी सस्ते टॉक टाइम प्लान ऑफर करता है, हालांकि जो जियो का प्राइस है वो 10 रुपये है। तो आपको क्या लगता है कि जियो के मुकाबले वोडाफोन आइडिया की जो ये सर्विस है ये हेल्पफुल है? और साथ ही अगर आप भी बेसिक प्लान यूज़ करते हैं तो क्या आप इस प्लान को एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर लेंगे? तो अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और ये वीडियो वोडाफोन आइडिया लवर्स के साथ और यूज़र्स के साथ ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक भी करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।